Hi guys, this is Himanshu from PrepTag. So today we are going to solve very very beautiful questions from physical chemistry जो पूछे गए थे आपके JEE 2021 के February shift में. So you are going to solve it with me. But before we start, I have to give you one small information. If you want to solve some of the very very good questions, we have given that to you guys as free mock tests. So you just have to go and download our app PrepTab from Play Store, or you can visit our website. The link is given here. Just go there, search for free mock tests and you can give them. ठीक है, चल सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. और कितना शानदार क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आया है. ठीक है, क्या दिया हुआ है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 3 इज x. आपको AgCN की सॉल्युबिलिटी बताइए एसिडिक बफर में. x की वैल्यू आपको निकालनी है. नो साइनो कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ नहीं बन रहा है. दे हैव गिवन यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCN अलोंग विद दैट Ka वैल्यू ऑफ HCN. Ka क्यों दिया है भाई? होता क्या है कि HCN का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, यानी कि HCN जब आयोनाइज करता है टू H+ एंड CN- आयन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka, राइट? ठीक है, और ये देखो कितना छोटा वैल्यू है, 10^-10. इसका मतलब ये बहुत ही वीक एसिड है. तो वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट बेस साइनाइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है. इसको हम आगे इस्तेमाल करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया. चलो आगे देखते हैं. सॉल्युबिलिटी निकालनी है अपने को, तो लिखते हैं क्या होता है. AgCN सॉलिड है और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये एक्वस मीडियम में आ जाते हैं आयंस. इनकी सॉल्युबिलिटी भाई हमें x दे रखी है, ओके, यही तो निकालनी है. लेकिन बफर सॉल्यूशन है और वो भी एसिडिक बफर, उससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि जो साइनाइड आयन है एसिडिक H+ आयन देख के पगला जाएगा, क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? HCN बना लेगा. HCN क्यों बना लिया? क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है. तो अब अपने को क्या दिया हुआ है? KSP दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इसी से निकाल लेते हैं सॉल्युबिलिटी. नहीं, यहां पे एक्चुअली साइनाइड जो है वो फर्दर अगर यहां पे रिएक्ट कर रहा है H+ के साथ और HCN बना रहा है, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. लेट्स से चलो, तो X-Y रह गया, Y आयंस चले गए HCN बनाने, बन गए. अब अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कि चलो हम y निकालने की कोशिश करते हैं कितना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका Ka है और अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो इट विल बी 1/Ka. ये कितना है? 1/6.2×10^-10. ये दे रखा है. आप देखो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा है. न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 10^10 है, बहुत ज्यादा है, राइट? यानी कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है वो क्या इंडिकेट करता है? कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉरवर्ड आ रही है, पीछे कुछ नहीं बच रहा. यानी कि साइनाइड जो बना था AgCN से वो पूरा का पूरा HCN में कन्वर्ट हो गया. तो आपको ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. X था, वो पूरा का पूरा HCN में कन्वर्ट हो गया, ये X बन गया. ओके, ठीक है, ऑलराइट. तो बस इसको आपको इस्तेमाल करना है. तो अब इन दोनों को हम लिखते हैं, इन दोनों को ऐसा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है सॉल्युबिलिटी निकालना AgCN की. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ रिएक्शंस को, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? AgCN आएगा रिएक्टेंट साइड पे, प्लस साइनाइड आएगा, लेकिन वो दूसरी तरफ भी आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर H+ आयंस है, कितने? 10^-3 मोलर. क्या बन रहा है आपका? Ag+ आयन बन रहा है जिसकी सॉल्युबिलिटी x है, x अमाउंट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन. और साथ में HCN बन रहा है बिकॉज ऑफ साइनाइड आयंस, ये भी लेकिन x ही बन रहा है क्योंकि सारा का सारा साइनाइड इसमें कन्वर्ट हो गया. अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ? KSP डिवाइडेड बाय Ka ऑफ HCN. दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक, ओके. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस
it will be Ksp upon Ka will be concentration of Ag plus into concentration of HCN divided by concentration of H plus, that is 10 to the power minus 3. ये कितना है हमारे पास 2.2 into 10 to the power minus 16 divided by 6.2 into 10 to the power minus 10. बेटा इसको आप सॉल्व करना है जस्ट, बट कैलकुलेशन बड़ी गंदी है, देख रहे हो, थोड़ा सा आपको लेंदी कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत बेकार दे दी। इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैंसिल कर लिया, डेसिमल हटा लिया, कैंसिल भी कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 11/31 इंटू 10^-9 एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, रूट लेना पड़ेगा अपने को दूसरी तरफ। इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसको 110 कर लेते हैं डिवाइड बाय 31, 110 किया तो ये 10^-10 हो जाएगा और इसका रूट लेना है। 10^-10 का रूट लेना आसान है ना, तो ये हो जाएगा 10^-5। अब 110 डिवाइड बाय 31 को कैसे सॉल्व करें यार, कैलकुलेट करोगे, 110 डिवाइड बाय 31 क्लोज टू कितना आएगा, 3 है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 का रूट ले लेते हैं। 3 का रूट कितना होता है, 1.73 इंटू 10^-5। अब यार ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है, पास की कोई वैल्यू ले लो, देख लो कोई है क्या 10^-5, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1.73 के करीब कौन है, ये ही है, तो ये सही आंसर है, ठीक है, ओके, ये करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया, क्या दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर पर मैंगनेट कन्वर्टिंग टू Mn प्लस 2, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो चेंज कितना आ रहा है, वो इतना है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डिक्रीज फ्रॉम 1 मोलर टू 10^-4 मोलर। अच्छा, हमने H प्लस को चेंज किया कॉन्सेंट्रेशन को, तो उससे उसकी इनॉड वैल्यू, एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से तो देखते हो, इनॉड वैल्यू चेंज कर गई, और कितने से चेंज किए, इतने से चेंज किए, तो मुझे चेंज निकालना है डेल्टा ई जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी और इतनी थी इस पे। ओके, अज्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर मैग्नेट एंड Mn प्लस 2 टू बी सेम ऑन चेंज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो नहीं बदल रहा है, एक्स की वैल्यू निकालो, और ये इंटीजर टाइप सवाल है तो आपको इसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ भी करना है, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ध्यान से करना है। चलो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, पर मैग्नेट जो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको क्या दे देता है, Mn2 प्लस आयन दे देता है, भाई इसमें तो H प्लस का कहीं सीन ही नहीं है, बैलेंस तो करो, तो बैलेंस अगर आप करोगे, 4 ऑक्सीजन एटम है तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, और 4 वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए इधर 8 H प्लस आयन डाल देते हैं, ठीक। अब आपको क्या दिया हुआ है, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की लिखी 1 मोलर, तो लेट्स से E सेल आया E1, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 10^-4 मोलर कर रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आया वो आया E2, इन दोनों को निकाल लिए, डिफरेंस लीजिए, ठीक, निकालते हैं, चलो काम करते हैं थोड़ा। आप यहाँ नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, E सेल कैसे लिखते हैं, E0-0.059 log Q लिखना है, यहाँ पे वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर मैग्नेट, ये ओके लिखते हैं, तो E0-0.059, अरे यहाँ एक चीज छूट गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो 5 log Mn2 प्लस ऐसे ही रहेगा, पर मैग्नेट ऐसे ही रहेगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं, और अभी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है तो मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। E2 E0-0.059 by 5 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर मैग्नेट, और H प्लस है 10^-4 टू द पावर 8, ठीक। इसको एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करके लिख लेंगे 10^-32, ठीक है ना, वही आएगा, ओके लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना, कितना चेंज आया जब हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, तो E2-E1, क्योंकि 1 मोलर से हमने 10^-4 कर दिया,
सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ई नॉट उड़ जाएगा, ओके, यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 0.5059 डिवाइडेड बाय 5 लॉग। लॉग में यार Mn2 प्लस बाय परमैंगनेट टर्म दोनों में ही आ रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। और क्या बचेगा, सिर्फ 1/10 to the power -32। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इनटू 32, यस। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 0.3776। लेकिन जल्दी नहीं दिखानी है, आराम से आपको मैग्नीट्यूड बताना है पहले तो, और दूसरा x इंटू 10^-4 में देना। अगर मैं इसको 10^-4 में लिखूं तो इट विल बी 3776। आई हैव टू टेक जस्ट द मैग्नीट्यूड, सो x इज 3776, ठीक। दिस इज द आंसर। तो आपको बस सिर्फ लैंग्वेज को समझना है एंड देन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो आप करो इसको, दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट एज वेल एज सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर दिया हुआ। 224 ml SO2 है एट 298 Kelvin एंड 180 प्रेशर, इस पास थ्रू 100 ml 0.1 molar NaOH सॉल्यूशन। तो SO2 गैस को हमने NaOH से पास किया। द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस्ड इज डिजॉल्व इन 36 gram वाटर। तो हमने जो भी इसकी रिएक्शन से जो सॉल्यूट प्रोड्यूस हुआ उसको उठा के पानी में डाल दिया, 36 gram पानी में डाल दिया। द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो दी हुई है, ठीक। जब सिर्फ पानी था तो वेपर प्रेशर इतना था, जब हमने सॉल्यूट डाला तो इतने से लोवरिंग हो गई, एक्स की वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमने कितना सॉल्यूट डाला है, क्योंकि लोवरिंग निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा पी बाय पी नो, सही है। नो, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग, राइट, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग। लोवरिंग तो खाली इतना है, कितने से घटा वेपर प्रेशर, जितना सॉल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। तो मुझे खाली डेल्टा पी निकालना है, और लेकिन हम फॉर्मूला यही इस्तेमाल करने वाले हैं, इट इज डेल्टा पी बाय पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो अपन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर पी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो दिया ही हुआ है अपने को, ठीक। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, जो कि यहां से निकलेंगे कि SO2 लिया, उसको आपने डाला NaOH से, क्या मिलेगा भाई, Na2SO3, ये आपका सॉल्यूट बन गया और साथ में पानी निकल जाएगा, बैलेंस कर लो। कितने मोल दिए हुए पहले देख लेते हैं आपको, 224 ml, कंडीशन STP नहीं है, एकदम टेम्प्ट मत हो जाना कि STP दिया हुआ, 298 Kelvin 180 ml है। आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो इट विल बी 0.009 mol। और यहां कितना है, 100 ml यानी कि 0.1 liter, 0.1 × 0.1 तो 0.01 mol है। अब दोनों रिएक्टेंट्स आपको पता है तो लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना पड़ेगा, तो क्लियर है ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपका, क्योंकि ये कम है और वो एक्सेस में है। इससे अगर आप देखो कितना Na2SO3 बनेगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 1/200 mol मुझे Na2SO3 के मिलेंगे, उसको उठा के डालना है पानी में। कितने पानी में डाल रहे हैं हम, 36 gram पानी में डाल रहे हैं। तो यू हैव वाटर, 36 gram वाटर मीन्स 2 moles ऑफ वाटर वी हैव, और इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं 1/200। आपको अज्यूम करना है सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, पहले हम मोल फ्रैक्शन में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालूं, होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बट क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया कि बेटा आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानो, तो मान लेते हैं ना, इसको जीरो कर देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन क्या बहुत डाइल्यूट है। तो इट विल बी मोल्स ऑफ बी विच इज 1/200 एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इट इज 2, तो इट विल बी 1/400। ये आ गया। अब आप लोवरिंग निकालनी है आपको, इट विल बी पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो 24 दिया हुआ है इंटू 1/400, सो इफ यू सॉल्व इट विल बी 6 × 10^-2। क्या निकालना है अपन ने, x × 10^-2, x किसके बराबर हुआ, 6, तो योर करेक्ट आंसर है 6, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, ये अगेन अ वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, जो हम आपको पढ़ाते हैं
उनको इन्होंने अप्लाई करके दे दिया। जब भी रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सिर्फ वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो सकते हैं जो कि इफेक्टिव कोलिजन में जाए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना और दूसरा उनके पास सफिशियंट एनर्जी हो टू कन्वर्ट दैट एनर्जी बैरियर। ठीक, और मैक्सवेल भाई साहब आए थे, उन्होंने हमें ग्राफ भी दिया कि आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हैं जिनके पास सफिशियंट एनर्जी है या नहीं। ये सफिशियंट एनर्जी किसको कह रहे हैं, कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी एनर्जी चाहिए टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूं एनर्जी, ये ग्राफ आता है कुछ इस तरह का। ठीक, लेट्स से दिस इज द वैल्यू जहां पे एनर्जी बराबर होगी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो अगर आप देखो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके पास एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। और आपको कई दफे ये बताया जाता है कि जो आरहेनियस इक्वेशन है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसमें दिस टर्म इज एक्चुअली दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ये एक्चुअली वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज दिस मच, तो ये ई ए दे रखा है, यूनिट का ध्यान रखें, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज दिस मच। इन्होंने उसे ई टू द पावर माइनस एक्स बोल दिया और बोले x की वैल्यू निकाल के। तो भाई x क्या है, ई ए बाय आर टी है ना, निकाल लेते हैं। 80.9 किलो जूल में है तो 10^-3, तो 10^3 r अपने को दिया हुआ है, टेम्परेचर 700 है, इसको सॉल्व करना है। व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट डू यू गेट, 13.90। लेकिन हमें इसको नियरेस्ट इंटीजर में देना है, ये चीज न्यूमेरिकल में ध्यान देना, ये जल्दी जल्दी में अपना आंसर ये नहीं लिखना है। तो 13.90 का नियरेस्ट इंटीजर इज 14, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस विल ट्राई टू ब्रिंग फॉर यू गाइस सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स बिफोर यू गो फॉर योर जेई मेंस। ओके, डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर फ्री कॉन्टेंट। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।